जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूं अरुणा और गाइस आज मैं बनाने जा रही हूं आलू और साबुदाना की टिक्की। तो व्रत के हिसाब से मैं ये टिक्की बना रही हूं और बनाने में बड़ी ही आसान है और आप लोग नवरात्रों के 9 दिनों में इसे बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये 3 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू लिए हैं और इनको मैं अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी या अच्छे से मसल भी सकते हैं, पर कद्दूकस करने से ये है कि कोई भी गुठली उसमें नहीं रहती। तो सारे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है बॉईल करके। और कद्दूकस किए हुए आलू को मैं एक बड़े से बर्तन में निकाल लूंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप साबूदाना, जिसको कि मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश करके और 45 मिनट तक भिगो के रखा है। और उसका अब सारा पानी निकाल कर हम आलू में मिक्स कर देंगे साबूदाना को। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, जो कि मैंने बारीक चॉप करी है। तो 2 छोटी हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ली हैं और थोड़े से कड़ी पत्ता लिए हैं मैंने, जिनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, तो 1 छोटा चम्मच अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। छोटा छोटा पीसेस में भी डाल सकते हैं इसको। और यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मूंगफली ली है मैंने, जिनको मैंने हल्का सा रोस्ट करके और पीस लिया है, तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और जो आलू और साबूदाना की टिक्की में बाइंडिंग में भी काम आती है। और 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। और क्योंकि ये व्रत के लिए बना रही हूँ टिक्की, तो इसलिए मैं यहाँ पर सीधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा हमारी जो साबूदाना की टिक्की है। तो अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं हाथों की मदद से। और अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा गीला लगता है तो आप इसमें सिंघाड़े का आटा डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच, लेकिन मेरा ये मिक्सचर परफेक्ट बना है तो मुझे आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और थोड़ा सा हाथों पर घी लगा के अब हम टिक्कियाँ बना लेंगे इस बैटर की, इस मिक्सचर की। टिक्कियाँ बना लीजिए या इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से टिक्की हमारी बनके तैयार हो गई है और बाकी की टिक्कियाँ भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पर कुछ टिक्कियाँ मैंने बनाई हैं और कुछ इस तरह से रोल कर लिए हैं, तो कोई भी आप शेप दे सकते हैं। तो ये बना के मैंने रेडी कर लिया है यहाँ पर और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इन टिक्कियों को आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 से 3 चम्मच मैंने एक पैन में घी डाला है, क्योंकि व्रत के लिए है तो इसे घी में बनाना ही मैं प्रेफर करती हूँ और अच्छा रहता है। और अब इन टिक्कियों को हम बहुत अच्छे तरीके से सेक लेंगे दोनों तरफ से, गोल्डन ब्राउन और कुरकुरा होने तक। और एक तरफ से 4 से 5 मिनट तक सेकने के बाद फिर हम इनको पलट लेंगे। एक तरफ से हो चुकी हैं और दूसरी तरफ से भी हम इन्हें अच्छे से सेक लेंगे और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और आप गर्मा गर्म इन्हें हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के साथ सर्व कर सकते हैं या चाय के साथ भी खा सकते हैं। हरी चटनी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कि व्रत में खाने वाली चटनी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारी साबूदाना और आलू की टिक्की बनके बिल्कुल रेडी हो गई है।
गर्मा गर्म आप खाइए इसे और इंजॉय करिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।